आज की घटना सुनकर आप हैरान तो हो ही जाओगे और साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोई इंसान प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ना फिर उसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं ना ही कुछ और। ये घटना है यूपी की। एक पति की हत्या करी उसकी पत्नी ने अपनी ही माँ और अपने प्रेमी के साथ मिलके। आइए जानते हैं हम पूरी घटना के बारे में। पति जैसे ही रात को घर पर आता है तो अचानक उसके ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं। गुंडे उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी करके चले जाते हैं। पति की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी सुनीता अंदर से भागी आती है और वो बाहर आकर देखती तो उसका पति तड़प रहा होता है। पति को तड़पते हुए देख के वह भी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर घर वाले भी दौड़े हुए आ जाते हैं और साथ ही जो राजवीर है, जो उसका पति है, उसके घर वालों को भी सूचित किया जाता है और वह भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पति को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, यानी कि राजवीर को। राजवीर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि ये मरा हुआ है, ये मृत है। राजवीर को जैसे ही हॉस्पिटल लेके आया गया तो ये कहा गया कि राजवीर मृत है। ये सुनकर सब रोने लगे। अब पुलिस ने इस केस की कार्यवाही शुरू करी। शुरुआत में पुलिस ने सबसे पूछताछ करी तो पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगा, ना ही कोई जानी दुश्मन पाया गया। फिर पुलिस ने आसपास के नेबर्स यानी कि पड़ोसियों से पूछताछ करी। पूछताछ करने पर पता लगा राजवीर की पत्नी का अफेयर चल रहा था, यानी कि सुनीता का अफेयर चल रहा था एक सुनील नाम के लड़के से। पुलिस को जैसे ही ये पता लगा, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, यानी कि सुनीता और सुनील को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ करी, लेकिन दोनों से अलग अलग पूछताछ करते वक्त पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगा, दोनों की स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही थी। फिर पुलिस ने क्या किया, फिर पुलिस ने उन दोनों के एक साथ पूछताछ करी। शुरुआत में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ज्यादा पूछताछ करने पर उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने राजवीर की हत्या इसलिए करी क्योंकि राजवीर इनके बीच में आ रहा था और ये काम करने में सुनीता की माँ, सुनीता के मामा ने भी उसकी मदद करी। सुनीता की माँ ने उसको कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी राजवीर को तुम्हारे रास्ते से हटाने में, लेकिन शर्त एक है, तुम्हारे नाम पे जो घर है, जो तुम्हें राजवीर ने दिया, यानी कि जो घर उसके पति ने उसके नाम पर किया था, वो घर तुम्हें अपने मामा के नाम पर करना होगा, तो मैं राजवीर को तुम्हारे रास्ते से हटाने में मदद कर दूंगी। ऐसा कहकर फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और इन्होंने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और राजवीर की हत्या कर दी। अब आपका इस पर क्या कहना है? उस पति ने अपनी पत्नी के नाम पर घर भी कर रखा था, वह अपने ससुराल में ही रहता था अपनी पत्नी के साथ, फिर भी उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया? अगर ऐसा अभी किसी महिला के साथ हुआ होता तो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो जाती और बहुत ज्यादा कैंडल लाइट मार्च भी चले जाते, लेकिन एक ऐसा आदमी के साथ हुआ है तो ज्यादातर लोगों को इस घटना के बारे में पता भी नहीं है। तो हमारा मकसद बनता है कि हम इसकी अवेयरनेस फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और एक आदमियों के लिए आवाज उठाने की एसोसिएशन बनाए। लॉ माइंड्स यही काम करता है। लॉ माइंड्स जो आदमियों को किसी भी तरीके की परेशानी है, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, हर तरीके से उनकी मदद करता है। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत लड़कों के DM आते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है उनको, तो आप मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करिए, मैं आपकी स्टोरी लोगों के सामने लेके जाऊंगी ताकि हम अवेयरनेस फैला सके और मैं आपकी जिस भी तरीके से मदद कर पाऊंगी, आपको लीगल एडवाइस वगैरह सब दूंगी और आपके साथ संपर्क बनाए रखूंगी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे एक लॉ माइंड्स मैन कम्युनिटी करके व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़िए, हम पूरी एक ऐसी मेंस कम्युनिटी बनाएंगे, क्योंकि वुमेन एसोसिएशन तो है लेकिन मैन कम्युनिटी कोई नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ लॉ माइंड्स। लॉ माइंड्स के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।